पर घूमते हुए के सुंदर नज़ारे मेरे पीछे के जा चक्कर करा। वसुधारा फॉल की ओर जो है माणा गांव से 5 किलोमीटर डिस्टेंस है। वहाँ पे भीमपुर पे लिखा हुआ था 5 किलोमीटर डिस्टेंस वसुधारा फॉल। लोग बता रहे हैं काफ़ी खूबसूरत है, देखते हैं वहाँ के नज़ारे और आपको भी दिखाते हैं कैसा है वसुधारा फॉल, जिसके बारे में कहा गया है कि उसकी उसका पानी सिर्फ उसी इंसान के अंदर गिरता है जो पुण्य आत्मा है, जैसे पाप किया होगा उसके ऊपर पानी नहीं गिरेगा। अब आप ट्राई मारते हैं शुभम भी और मैं भी कि हम पापी हैं या पुण्य आत्मा। चलते हैं वसुधारा की फॉल की ओर और ये है जो रास्ता है वह है स्वर्ग का रास्ता, क्योंकि पांडव लोग इसी रास्ते गए थे स्वर्ग को। करीब 1 किलोमीटर हम चल चुके हैं, ये देखिए भयंकर वैली है भाई। भाई साहब इतने बड़े बड़े पत्थर आ रखे ना ऊपर से, ये देखो दिखाई दे रहा है आपको सब कुछ, ये पूरा नज़ारा सामने हिमालय दिखाई देने लग गया। आप तो अभी आगे जाके और दिखाऊंगा, जूम करके दिखाऊंगा आपको। पहले ये रास्ता तो देखो, इतने बड़े बड़े स्टोन आए हुए हैं, मस्त है, दिल खुश हो जाएगा। चिड़ियाओं की हल्की हल्की चहचहाहट, नीचे अलकनंदा की हल्की हल्की कलकल की आवाज़ मंत्रमुग्ध कर देगी आपका इस रास्ते पे आके। वाकई स्वर्ग का रास्ता है और स्वर्गरोहिणी ट्रैक भी आप इसी से जा सकते हैं, या तो आप बद्रीनाथ से पीछे रास्ते जाएँ स्वर्गरोहिणी ट्रैक, या तो आप यहाँ से जाएँ किसी एक ओर से आप जा सकते हैं। यार 3 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है लेकिन फॉल दिखाई नहीं दे रहा अभी तक यार, पता नहीं मुझे लगता है कि गलत तो नहीं दिखा था कहीं, और कहीं वहीं तो नहीं है जहाँ वो हिमालय दिखाई दे रहा है। ये नज़ारा देखो कितना जबरदस्त है, ये देखो अभी हम हिमालय में ही हैं वैसे कायदे के अनुसार, लेकिन बर्फ़ नहीं गिरी हुई अभी, जब स्नोफॉल होता होगा सारी पहाड़ियाँ बर्फ़ से ढकी रहती होंगी। एक बार आऊँगा जब बद्रीनाथ का कपाट खुलेंगे ना, तब दोबारा आऊँगा, उस टाइम का नज़ारा देखूँगा। एक बार मैंने वाला नज़ारा ज़रूर देखना है जब ये पहाड़ सारे के सारे बर्फ़ से लदे होंगे और मैं ट्रैक करते हुए वसुधारा जाऊँगा। ट्रैक इजी है, पूरा रास्ता बना हुआ है, बस थोड़ा लैंडस्लाइड होता होगा ना यहाँ पे, इसलिए बड़े बड़े पत्थर आए हुए टूट के नीचे। ये देखो यला माउंटेन कितना जबरदस्त दिखाई दे रहा, चलते रहते हैं। तो होगी हालत पतली दिन तक लगा रहा ठंडा, सुबह लगा रहा बहुत ज़्यादा ठंडा, अभी धूप है तो गर्म बहुत हो रहा है, तो मैंने पहनी जैकेट, अगर इस जैकेट को उतारता तो हवा बहुत ठंडी चल रही है तो ठंडा लग रहा है, अगर जैकेट को पहने रहूँ तो लग रहा है काफ़ी गर्म। 4.5 किलोमीटर हम चल चुके हैं लेकिन दूर दूर तक फॉल नज़र नहीं आ रहा, यानी कितना दूर और है, लेकिन यह व्यू बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ से सनसाइन हो रहा है और सामने बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, मुझे लगता है कि जो सबसे ऊंची पीक दिखाई दे रही ना उधर उधर कहीं रहा होगा वसुधारा फॉल, जाके देखते हैं नज़ारे। देखिए पूरा वैली का व्यू, ये पूरी वैली शानदार ज़बरदस्त और जिंदाबाद, इसलिए इसे कहा जाता है देवभूमि,
क्योंकि यहाँ के नज़ारे ही कुछ और है। ये सामने आग से देखिए, इसको देख के ना इतना ज़्यादा ब्राइट है, उसको देख के चक्कर आ रहा है। ये देखिए जबरदस्त लग रहा है। मैं सोच रहा था कि यार आखिर पानी इतने नीचे क्यों नहीं गिर रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरी बर्फ़ जमी हुई है, ये पूरे पहाड़ पर बर्फ़ जमी हुई है। और वाटरफॉल दीजिए कितनी ऊंचाई से गिर रहा है बिल्कुल नीचे। नीचे पानी आ ही नहीं पा रहा है। हवा इतनी तेज चल रही है ना तो सारा पानी उठ जा रहा है, वरना इतने अप्रॉक्स जहाँ पे बर्फ गिरी है यहाँ पर गिरना चाहिए था। क्या नज़ारा है यार, देख लो। दिलकश नज़ारे के लिए देखिए बर्फ़ के ना टुकड़े गिर रहे हैं ऊपर से। ये गिरी बर्फ़ के टुकड़े, ये नीचे ऐसे बर्फ़ के टुकड़े गिरते जा रहे हैं एकदम से। ये चारों ओर से बर्फ़ के टुकड़े ना, अभी जहाँ सनराइज हुआ है तो उसके बर्फ़ के टुकड़े लगातार गिरते जा रहे हैं नीचे पूरे पहाड़ी पर। हवा बहुत तेज़ चल रही है, अब आप देखो हवा कितनी तेज़ चल रही है। और मेरे पीछे वाटरफॉल इतना बड़ा, और ऐसा नज़ारा कुछ किस्मत लोग को देखने को मिलता है। देखिए कितने सुंदर जगहों में आपको लेकर आया हूँ। इतने ऊपर से वाटरफॉल गिर रहा है और हवा इतनी तेज़ चल रही है कि सारा पानी बह जा रहा है, एकदम सारा पानी बह जा रहा है। देखिए है ना खूबसूरत जगह, लाया ना मैं आपको सर के रास्ते पर। इसलिए लाइक जरूर बनता है, अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर बनता है। नीचे रेड कलर का बटन है, उसे दबाने के पैसे नहीं लगेंगे बिल्कुल भी। और शेयर कीजिए क्योंकि अपनी देवभूमि है उत्तराखंड। जय देवभूमि, जय जय उत्तराखंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे।